23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में 8 दिन तक हिरासत में सीबीआई ने की पूछताछ। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच पूरे राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा सस्पेंड। कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, 1 सितंबर से अब तक 11 लोगों की मौत। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 29 उम्मीदवार घोषित किए। कल पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, बोले हमारी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सुशील गुप्ता बोले बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है, ये चुनाव आप और कांग्रेस के बीच है, सत्ता से बीजेपी का बाहर होना तय। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को लेकर बोले चाचा महावीर फोगाट, विनेश ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, 2028 का ओलंपिक में भाग ले, देश को विनेश से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। महावीर फोगाट ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान, कहा पहले विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का विचार नहीं था, कांग्रेस ने पता नहीं क्या करके उम्मीदवार बनाया है। पहलवान और जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पति के साथ हवन में शामिल हुई। काफी उम्मीदों से देख रही है जुलाना की जनता, लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बयान। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसएफ को तैनात किया गया। आईजी डीके बुरा ने कहा बीएसएफ हर कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। हरियाणा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। विनेश फोगाट के खिलाफ जुलाना से बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा सीएम सैनी ने लाडवा सीट से नामांकन दाखिल किया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, हम सभी 90 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और झटका, हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ी, गन्नौर सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। राष्ट्रपति ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा पत्र। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायकों के पत्र पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, आने वाले विधानसभा चुनाव में हार मान चुकी है बीजेपी, केजरीवाल से डरती है भाजपा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा दिल्ली में आतंक फैला रही है बीजेपी, एलजी के जरिए अधिकारियों को डराया जा रहा है। नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक, पीएम मोदी ने जनरल बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता की। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में बोले भारत में आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया, जांच एजेंसी और मीडिया पर भी सरकार का कब्जा। वाशिंगटन में पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता, की बातों से सहमत नहीं हूं, कई बार मैं उनके प्रति सहानुभूति भी रखता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बोले आरएसएस और भूतकाल की बात करती है, ये लोग भविष्य की बात नहीं करते, इन लोगों का एजेंडा देश के लिए खतरनाक है। वाशिंगटन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, बोले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। राहुल गांधी के बयान का संजय राउत ने समर्थन किया, बोले वाशिंगटन में राहुल ने जो कहा वो सही है, बीजेपी 10 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले पवन खेड़ा, जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी सवाल उठाते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राहुल बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, देश के बाहर कांग्रेस बीजेपी नहीं जीता। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अगर आज सबसे ज्यादा कहीं डर है तो वो है कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल गांधी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, राहुल विदेश में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं, विदेश में भारत का अपमान करना शर्म है। लखनऊ में सीएम योगी ने 647 फॉरेस्ट गार्ड्स को बांटे नियुक्ति पत्र, 41 जूनियर इंजीनियरों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर जुबानी जंग, अखिलेश ने सीएम योगी पर हमला बोला, कहा कुछ लोग कह रहे हैं शक है तो कोर्ट जाए, कोर्ट से क्या किसी की जान वापस आ सकती है। शिक्षक भर्ती को लेकर मायावती का ट्वीट, बोली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने खरीदा घर, इलाके के लोगों ने जताया विरोध, स्थानीय लोगों ने कहा हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम के आने से होगा माहौल खराब। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधा, बोले लालू परिवार जो भी यात्रा निकाले पहले उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं। तेजस्वी यादव को सपरिवार दुबई जाने की इजाजत मिली, राउस एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जाने की इजाजत दी है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में
जमानत पर बाहर है तेजस्वी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना से मुंबई के लिए रवाना, कहा तेजस्वी की आभा यात्रा की आज से हुई शुरू, जिसके तहत वो हर घर जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़ मारी जा रही है गोली और मुख्यमंत्री जी चुप हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि की इसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने अजीत पवार पर तंज कसा, बोले उन्होंने ब्रांडिंग के लिए एडवाइजर जारी किया है, जो वो सलाह देते हैं उसी हिसाब से वो बोलते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति गठित की, राव साहेब दानवे होंगे समिति के प्रमुख। समिति में नितिन गडकरी, फडणवीस और विनोद तांबड़े विशेष निमंत्रित सदस्य, दूसरे बड़े नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। AIMIM नेता इम्तियाज जलील का बड़ा दावा, बोले महाराष्ट्र में MVA गठबंधन का प्रस्ताव दिया, कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर गिरफ्तार होने की आशंका जताई, बोले की वजह से CBI ने 4 साल पुराने मामले में अब FIR दर्ज की है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, डेंगू को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के बाद बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंकी पॉक्स का एक मरीज दिल्ली से मिला है, मरीज को आइसोलेट में रखा गया है।